कि हम जब बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट मील कंज्यूम करते हैं, ठीक है, देखिए जब हमारी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट जाता है तो वो सॉल्ट जो है वो वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में. देन अगेन इट्स नॉट लाइक कि हम और हमारा जब वेट चेक करते हैं तो हमारा वेट ज़्यादा होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि हमारा वेट एक्चुअली में ज़्यादा हो गया हुआ है. इट्स जस्ट दैट कि आपकी बॉडी में सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उसने वाटर रिटेन किया हुआ है, वाटर रिटेंशन हुई है, और ये वाटर वेट है जो कि 2 से 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी डाइट के साथ, वर्कआउट के साथ. और जब वाटर रिटेंशन हो जाए तो पोटेशियम रिच फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, वो वाले फूड बनाना आप खा सकते हैं, वाटरमेलन, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि वो फ्लश आउट हो सॉल्ट आपकी बॉडी में से. ठीक हो गया, ठीक है. देन थर्ड रीज़न आ जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो. दो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ग्रेट, लेकिन जिस दिन आप हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन लगाते हैं तो नेक्स्ट डे जब आप वेट स्केल पे चेक करते हो अपना वेट, तो अगेन वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है. यू आर लाइक कि मैंने इतना अच्छा वर्कआउट किया है और मेरा वेट ज़्यादा क्यों है. इट्स जस्ट बिकॉज के आपके जो मसल्स हैं वो अंडर स्ट्रेस होते हैं, और जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वाटर ज़्यादा वो एक्यूमुलेट करते हैं. देन अगेन इट्स अ वाटर वेट अगेन, ठीक है.